उठकर कुछ नया रास्ता पकड़ के अपने पीछे का अनुभव का सार लेते हुए जिन्होंने काम किया है वो देश विकसित हुआ है। आपको आसान से समझ में आने के लिए मैं एक बात बोलता हूं। अभी हाल में ही कर्नाटक राज्य का चुनाव आपने देखा है, वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया, कोई जीता है कोई हारा है, लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है, कोई पार्टी जीतता है, कोई नेता जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव के बाद जनता का जीत होना चाहिए। और ये बात मैं निसंकोच कह सकता हूं, भारत राष्ट्र समिति एक ऐसी शक्ति है जो जनता को जिताने के लिए हम शपथ आज ले रहे हैं। जनता की जो अपेक्षा, उनके अनुरूप कार्यक्रम बनाने का पूरे भारत में एक पहला पार्टी है जो भारत राष्ट्र समिति है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य में जनता को, किसान को जिता के दिखाया है। खाली बातों में नहीं, अपने काम से, अपने दीक्षा से जिता के दिखाया है। आज किसी को इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। निसंकोच आज तेलंगाना मॉडल पूरे भारत में डिमांड हो रहा है। तेलंगाना मॉडल चाहिए हमको, पूरे राज्यों में, पूरे भारत में यह नारा गूंज रहा है। जब तक भारत नहीं बदलेगा, जब तक भारत में एक गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा, यहां कोई काम होने वाला नहीं है। मैंने पीछे भी आप लोगों को बता चुका हूं, पानी जो चाहिए होता है सिंचन के लिए भी, पीने के लिए भी, जितना चाहिए भारत के लिए उससे डबल पानी की उपलब्धि है भारत में। मैंने आंकड़े पहले भी दे चुका हूं। पानी को रखते हुए भी आज हम पानी से वंचित हैं, और पानी इतनी अमूल्य चीज होती है जो कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, आदमी पानी को नहीं बना सकता। तो इतने अमूल्य चीज को हम जिस तरीके से संभालना चाहिए उस प्रकार का नहीं कर रहे, लेकिन हजारों TMC समंदर के लिए छोड़ दे रहे हैं, और एक तरफ हमारे किसान बहुत भारी नुकसान उठा रहे, कुछ तो अपने जान भी खो बैठे आत्महत्या करके, ऐसी स्थिति है। किसी भी शहर में पूछो, महाराष्ट्र राज्य में, वो चाहे अकोला हो, अमरावती हो।